बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू? दिस इज मारिया। आज मैं आई थी आप लोगों को बताने के लिए, जो मैंने विन करने के लिए लगाया हुआ है 100,000 रुपीज वाला, उसके लिए जरूरी है कि हम 1 मार्च तक 100,000 हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टा और हमारे यूट्यूब पे लोग हो जाएं। अब मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत से लोगों को ऐड कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, लेकिन आगे से उन लोगों ने एक्सेप्ट भी करना है वो इनविटेशन। तो आपने मेक श्योर करना है कि 10 लोगों को तो बुलाओ ना। अब आपने 500 को बुलाया, उनमें से किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहे वो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल। अगर 1,000 लोग भी करते हैं ना ऐड 10-10 लोगों को, तो हमारा काम अच्छा। आज जो मैं मेकअप कर रही हूँ, देखो तो मैंने फाउंडेशन भी बताया आप लोग की बातों में, आज जो मैं मेकअप कर रही हूँ वो मैंने रात तैनूर एलोवेरा का तो हदीस में भी है यार, हदीस में जब से मुझे पता चला है ना, उसके बाद तो मेरा एतकाद और भी बढ़ गया। पहले ही इतना ज्यादा था, बट उसके बाद तो मैं और धड़ल्ले से लोगों को बताती हूँ। मैं कहती हूँ जब यू नो हदीस में आ गया, तिब्बे नबी में अगर है, तो फिर उससे बेहतर क्या हो सकता है। मैंने एक एलोवेरा जेली, आप नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते, तो घर का एलोवेरा जो है अच्छा वाला, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अंदर से वो गुदा निकालो, खाली गुदा निकालना है, ग्रीन पार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बीच में आपने कोकोनट ऑयल मिक्स करना है, उसको पूरे बालों में लगाना है और मास्क बना के, अगर आप लोगों को याद हो, बल्कि आई विल टेल यू, मैं एक वीडियो कर रही थी जिसमें मैं अपने बाल कर्ल कर रही थी और कर्लर मेरे यहां लगा था, या पता नहीं यहां लगा था, और आप लोगों के सामने मैंने जेली लगाई थी और वो मेरा निशान तक नहीं पड़ा। तो यू नो कभी छींटा पड़ जाए, कभी एकदम से छोटा सा बर्न हो जाए, कुछ हो जाए, उस पर फौरन एलोवेरा जेली लगा लो, बहुत ही अमेजिंग। देखो मेरी पर्जिंग खत्म होगी। मैं बताती हूँ ना कि मुझे हर प्रोडक्ट से पर्जिंग होती है, और आप लोग भी ये सुन लो। कई लड़कियां मुझे कहती हैं कि देखिए मैंने तो वो चीज यूज की थी, मुझे सूट ही नहीं की, मुझे दाने निकल आए। फॉरएवर जो एलोवेरा है ना, वो स्किन की 3rd लेयर तक जाके उसको क्लीन करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, और उसके बाद उस पर काम करता है। तो अक्सर केसेस में उस पर कुछ अरसे के लिए दाने निकल आते हैं, तो उन दानों से आपने घबराना नहीं है, बल्कि यूज। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जितनी 317 खवातीन आज आई हुई हैं, आप लोगों ने सनस्क्रीन के बगैर अब नहीं रहना। आपने मेरे से लेनी है, नहीं मिली लेनी है, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, आपने सनस्क्रीन के बगैर नहीं रहना। पहले जमाने में ये नहीं होता था, बिकॉज ओजोन लेयर जो थी वो इतनी ज्यादा फटी हुई या टूटी हुई नहीं थी। अब अल्ट्रा वायलेट रेज इतनी ज्यादा सन निकाल रहा है कि घर के अंदर भी अब हम कहते हैं कि दिन में सनस्क्रीन लगाओ। सो यू हैव टू यूज सन की। कोरियन औरतों की स्किन दुनिया में सबसे अच्छी स्किन है, ठीक है? वो 3 साल की जब होती है ना, 3 ईयर्स की, मतलब मेरी छोटी काकी जो है उस उम्र की, तब से उनकी स्किन केयर रूटीन शुरू होती है, तब उनकी स्किन जवानी और बुढ़ापे में वैसी लगती है कि जैसे शीशा होता है। तो हम लोग 50 साल की उम्र में भी रूटीन नहीं करना चाहते कि मेरे पास टाइम नहीं। शाजिया टू मच पिगमेंटेशन के भी मेरे पास टेस्टिमोनियल है, मेरे पास इतने अमेजिंग टेस्टिमोनियल है। प्लीज मेरे इंस्टा पे जाके जरूर देखना, इंस्टा का नाम भी लबुटीक 1 ही है, उस पे जाके देखो कि किस किस्म की पिगमेंटेशन थी। और मतलब डॉक्टरों के पास वो कहते थे इसके लिए पता नहीं कौन कौन सी लेजर कराओ। बाय द वे वो लड़की अमेरिका से लेजर करा के आई थी जिसकी बर्बाद हो गई थी पिगमेंटेशन, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा रेडी भी हो जाऊं, साथ साथ गपशप भी कर लूं, लोगों को बताऊं कि कैसे वो 1 लाख रुपीज जीत सकते हैं, जिसपे हम बात ही नहीं कर रहे, हम दुनिया जहान की स्किन केयर पे। अब मैं लगाऊंगी पिंक कलर का चीक्स पे, और चीक्स पे पिंक कलर भी मैंने अपनी फ्रेंड के कहने के बाद शुरू किया था, कि उसने कहा था मारिया तुम्हारी बहुत ब्लैंड लुक आती है वीडियो में, प्लीज अपने चीक्स पे कुछ पिंक किया करो। तो तब मैंने ये खरीदा था बॉडी शॉप का। पिक्चर ऑफ व्हाट आई वेयर, जिसको न्यूड लिपस्टिक चाहिए, प्रॉपर न्यूड लिपस्टिक, अमेजिंग, दिस इज इट। मैं एक और लगाती हूँ मैक की ऑल फायर, नो मैक की काइंड ऑफ सेक्सी, बट उससे भी अमेजिंग ये न्यूड है। न्यूड लिपस्टिक का नाम है जी, इट्स 03 लिपली, ये NYX लॉन्जरे कलेक्शन से है, 03 इसका नंबर है, बहुत ही अमेजिंग न्यूड शेड है, माई फेवरेट शेड। चलो आई विल टॉक टू यू गाइस वेरी वेरी सून।